माँ, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है। बाबा अभी तक घर नहीं आए हैं। बाबा घर आने में कभी भी इतनी देरी नहीं करते हैं। फिर बाबा को आज इतना समय क्यों लग रहा है माँ? रानी अपनी माँ मीना से ये सारी बातें कर ही रही थी। रानी के पिता मोहन घर वापस आ जाते हैं। बेटा रानी, तुम अभी तक सोई नहीं हो, कितनी रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। आज आपको घर आने में इतना समय क्यों लग गया? इतने देर आप क्या कर रहे थे? क्या बताऊं मीना, आज का तो दिन ही खराब था। पूरे बाजार में मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। उदास होकर मैं घर वापस आ रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज होने लगी कि मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब पानी नहीं रुका तो मैं भींगते हुए अभी घर वापस आ गया। आप तो बारिश में बहुत भींग गए हैं। जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रानी जाओ, बाबा के लिए जल्दी से सूखे कपड़े लेकर आओ। ठीक है माँ, मैं अभी बाबा के लिए सूखे हुए कपड़े लेकर आती हूँ। और फिर मोहन सूखे कपड़े पहन लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, कब ये बारिश रुकेगी? बारिश की वजह से बाजार में कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। सेठ के खेतों में आपने काम किया था, सेठ ने आपको पूरे पैसे नहीं दिए थे, आप उनके घर जाकर पूरे पैसे मांगे नहीं? मीना, मैं सेठ के घर गया था पैसे लेने के लिए, लेकिन उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। वो अभी बारिश का आनंद ले रहे हैं। हम गरीब क्या कर सकते हैं? घर में खाने पीने के सारे सामान खत्म हो गए हैं। एक दो दिन ही सिर्फ चलेंगे। अगर आप पैसे नहीं मांगेंगे तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? ठीक है मीना, अगर ऐसी बात है तो मैं कल एक बार फिर सेठ के घर जाऊंगा और उनसे पैसे मांगूंगा। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप बैठकर आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और फिर मीना खाना लगा देती है। तभी मीना की बेटी रानी कहती है, ये क्या माँ, आज आप फिर साग बनाई है? मुझे रोज रोज साग खाना अच्छा नहीं लगता है। आज आपने कोई सब्जी क्यों नहीं बनाई? मुझे ये साग नहीं खाना है माँ, मुझे ये साग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, मैं साग नहीं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ? तुम्हारे पिता कोई जमींदार नहीं है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और मैं रोज रोज नए सब्जियाँ बनाऊँ, तुम्हें आज ये साग ही मिलेगा। और कितने दिन मुझे ये साग बनाना पड़ेगा वो मुझे भी नहीं पता। हमारे पास पैसे नहीं है और ना ही कहीं से पैसे मिल रहे हैं, तो फिर मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं बेटा? मीना, तुम रानी से ये किस तरह से बात कर रही हो? अभी रानी बहुत छोटी है, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है। उसके सामने तुम्हें इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। बेटा रानी, तुम परेशान मत हो, कल मैं बाजार जाकर कोई भी काम ढूंढूंगा और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद कर लाऊंगा। बेटा रानी, आज रात को तुम ये साग खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए सब्जियां खरीद कर ले आऊंगा। कल तो आप कोई भी काम कर सब्जियां खरीद कर ले आएंगे, लेकिन कभी अपने इस घर को भी देखा है? ये घर बहुत ही पुराना हो गया है, जगह जगह पर पानी चू रहा है, इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मुझे तो इस बात का डर है, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हमारा ये घर कहीं टूट ना जाए। अगर हमारे पास ये घर भी नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? हम तो बेघर हो जाएंगे। मीना, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैं बहुत जल्द हमारे रहने के लिए एक नया घर बनाऊंगा। सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब मीना मोहन के कमरे में आती है तो वो देखती है कि मोहन अभी तक सो ही रहा है। तभी मीना मोहन से कहती है, आप अभी तक सो ही रहे हैं? आपको बाजार नहीं जाना है क्या? हाँ मीना, मैं आज बाजार नहीं जा पाऊंगा। मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। मुझे इसी बात का डर था, कल रात आप बारिश में बहुत ज्यादा भीग गए थे, ये उसी का नतीजा है जो आज आपकी तबीयत खराब हो गई है। आपका इलाज करवाने के लिए भी घर में एक रुपया नहीं है। एक काम करती हूँ, उस सेठ के घर मैं जाकर पैसे मांगती हूँ, अगर वो सेठ आपका बचा हुआ पैसा मुझे दे देता है तो कुछ दिनों तक घर चलाने में दिक्कत भी नहीं होगी और आपका अच्छी तरह से इलाज भी हो जाएगा। इतना बोलकर मीना छाता लेकर अपने घर से निकल जाती है। सेठ के घर जाने के लिए मीना सेठ के घर पहुंच जाती है। तभी सेठ मीना से कहता है, तुम कौन हो और इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्यों आई हो? मैं मोहन की पत्नी हूँ और मैं यहाँ आपसे पैसे लेने आई हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि अभी भी आपके यहाँ से 6,000 रुपए उन्हें लेना है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए मैं आपसे उनके काम किए हुए बचे हुए 6,000 रुपए लेने आई हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे पास अभी 6,000 रुपए नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम किसी और देना ना। ऐसा मत बोलिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप मुझे पूरे 6,000 नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम मुझे 2,000 रुपए भी दे दीजिए, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। मैं इस वक्त तुम्हें 2,000 रुपए भी नहीं दे सकता, मेरे पास 1,000 रुपए है, अगर तुम्हें 1,000 रुपए चाहिए तो तुम ले सकती हो। मीना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए मीना सेठ के दिए हुए 1,000 रुपए ले लेती है और मन उदास कर वहाँ से चली जाती है। मीना बाजार आती है दवाइयाँ खरीदने के लिए। तभी मीना देखती है कि बाजार में एक औरत साग बेच रही है। मीना उस औरत को देखकर कहती है, ये क्या, ये बाजार में साग बेच रही है? मेरे खेत में तो ये साग कितने पड़े हैं। अगर मुझे कुछ पैसे कमाने हैं तो मैं भी अपने खेत के साग इस तरह से बाजार में बेच सकती हूँ। हाँ, ये मेरे लिए सही रहेगा। मेरे खेत में बहुत सारे साग उगते हैं और मैं उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ। इतना बोलकर मीना दवाइयाँ खरीदकर अपने घर वापस जाने लगती है और घर पहुंचकर मोहन को सारी बात बताती है। मीना, तुमने इस तरह का काम आज से पहले कभी नहीं किया है। इतनी तेज बारिश में तुम बाजार में बैठकर साग बेच पाओगी? मैंने आज से पहले इस तरह के काम को नहीं किया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं साग को बाजार में बेच सकती हूँ। और वैसे भी अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तब तक घर को चलाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए, इसलिए मैं बाजार में साग बेचूंगी जिससे कि कुछ पैसे घर में आ जाए। और फिर अगले दिन मीना अपने खेत से साग तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। बहुत देर हो जाती है लेकिन एक भी ग्राहक साग खरीदने के लिए नहीं आता है। ये देखकर मीना बहुत उदास हो जाती है। ये क्या, मैंने तो सोचा था कि मैं बाजार में साग बेचूंगी तो मेरे सारे साग बिक जाएंगे, लेकिन मेरे साग खरीदने के लिए एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर अपने साग के दाम
और कम कर देती हूँ, तभी ग्राहक मेरे से साग खरीदने के लिए आएंगे। और फिर मीना ऐसा ही करती है। मीना बाजार में बहुत ही सस्ते दामों में साग बेचने लगती है। कम दामों में साग मिलने की वजह से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और फिर कुछ ही देर में सारे साग खत्म हो जाते हैं। ये देखकर मीना बहुत खुश होती है और फिर खुशी खुशी अपने घर वापस जाने लगती है। मीना घर वापस जाकर मोहन को सारी बात बता देती है। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मेरे सारे साग बिक गए क्योंकि मैं बाकियों से कम दामों में साग बेच रही थी, इसलिए ग्राहकों की भीड़ लग गई और मेरे सारे साग खत्म हो गए। अब मेरे पास कुछ पैसे भी आ गए हैं और आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है। हाँ मीना, मैं भी ठीक हो गया हूँ, मैं भी कल से काम करने जाऊँगा। हाँ, आप और मैं दोनों मिलकर काम करेंगे जिससे कि हमारे घर में पैसों की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे अभी भी एक बात की चिंता है। हमारा घर बहुत ही पुराना हो गया है और जगह जगह पर पानी चू रहा है। अगर सही समय पर हमने अपना घर नहीं बनाया तो इस बारिश के मौसम में हमारा घर टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इतनी जल्दी एक नया घर बना सके। मीना तुम चिंता मत करो, मैं कल से रोज काम करने जाऊंगा और शाम को जब घर वापस आऊंगा तो मैं हम तीनों के रहने के लिए एक नया घर बनाऊंगा और इस बार बारिश के मौसम में हम एक नए घर में रहेंगे। वो सब तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने रहने के लिए एक नया घर बना सके। हाँ मीना, मुझे पता है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम जल्दी से अपने रहने के लिए एक नया घर बना सके, इसलिए मैं अपना नया घर केले के पेड़ से बनाऊंगा। केले के पेड़ से हमारा नया घर बहुत ही मजबूत बनेगा और बारिश के मौसम में हम सुरक्षित रहेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं, केले के पेड़ का घर? केले के पेड़ का घर तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है और ना ही इसके बारे में सुना है। आप किस तरह केले के पेड़ का घर बनाएंगे? मीना तुम परेशान मत हो, तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन दूसरे लोगों पर नहीं है। कहीं लोग आपको ऐसा करते देख आपको पागल ना कहने लगे। मीना दूसरों के बारे में मत सोचो, जब बारिश होगी तो बाढ़ भी आ सकती है, तब लोगों को समझ में आएगा कि मैं केले के पेड़ का घर क्यों बना रहा था। और फिर सुबह हो जाती है। अगली सुबह मोहन बहुत सारे केले के पेड़ को लेकर आता है और उस केले के पेड़ से एक घर बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी वहाँ से रोहन नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है। वो मोहन को देखकर मोहन के पास आता है और मोहन से कहता है, मोहन तुम ये क्या कर रहे हो, केले के पेड़ से तुम यहाँ क्या बना रहे हो और इतने सारे केले के पेड़ लेकर क्यों आए हो, कोई बात है क्या? तुम्हें मैं क्या कहूँ रोहन, तुम्हें तो पता है बारिश का मौसम है, बारिश कभी भी बहुत जोरों की हो सकती है और कभी भी यहाँ बाढ़ आ सकता है, इसलिए मैं अपने परिवार को बचाने के लिए केले के पेड़ का घर बना रहा हूँ जिससे कि बारिश के मौसम में मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकूं। मोहन तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे ही मुंह से ये सुन रहा हूँ कि केले के पेड़ का भी कोई घर बना सकता है, तुम इस केले के पेड़ का घर बनाकर क्या करोगे? रोहन घर बनाकर कोई क्या करता है, उसमें रहता है, मैं भी केले के पेड़ का घर बनाकर उसमें रहूँगा। और हाँ तुम्हें मेरे ऊपर हंसने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इस बार बारिश के मौसम में जब मैं अपने घर में रहूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं केले के पेड़ का घर क्यों बना रहा था। मोहन, मेरी बात मानो तो ये सब काम छोड़ दो, कहीं गांव वाले तुम्हें पागल ना कहने लगे। वैसे भी मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। और फिर हंसते हुए रोहन वहाँ से चला जाता है। मोहन को रोहन की बात सुनकर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और फिर मोहन अपने घर को बनाने लगता है। सुबह हो जाती है। अगली सुबह मीना अपने काम से बाजार जा रही होती है, तभी रास्ते में मीना को उसकी एक पड़ोसी मिल जाती है। उस पड़ोसी का नाम रानी रहता है। रानी मीना से कहती है, कहाँ जा रही हो मीना? सुना है रानी के बाबा केले के पेड़ का घर बना रहे हैं, क्या ये बात सच है? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, या फिर मैंने ही सुनने में कुछ गलत सुन लिया? क्या कह रही हो रानी, तुम्हें ये सब बात किसने कहा? किसने कहा कि मेरे पति केले के पेड़ का घर बना रहे हैं? कैसी बात करती हो मीना, पूरा गांव जानता है और तुम मुझसे कह रही हो कि मुझे कैसे पता चला? पूरे गांव को पता है कि तुम्हारा पति केले का पेड़ का घर बना रहा है और ये बात तुम्हें ही नहीं पता है? जब से गांव वालों को ये बात पता चली है, पूरा गांव तुम लोगों पर हंस रहा है, लोग मोहन का मजाक उड़ा रहे हैं। रानी, पूरे गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरे सामने मेरे पति का मजाक उड़ाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मीना, तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रही हो? गांव के लोग जो कह रहे हैं वही मैंने तुम्हें बताया है। वैसे भी मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं, मैं जा रही हूं। इतना बोलकर रानी वहां से चली जाती है। मीना को रानी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर वापस जाती है और मोहन से कहती है, बस बहुत हो गया, बंद कीजिए आप ये सारे काम, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। क्या हुआ मीना, अभी तो तुम बहुत अच्छे से बाजार जाने के लिए घर से निकली थी, वापस आते ही मुझ पर चढ़ क्यों रही हो? इस तरह से गुस्से में मुझसे क्यों बात कर रही हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? सभी लोगों की तरह मैं भी हंसूं? गांव के लोग आपकी इस हरकत से हंस रहे हैं और मुझे ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये काम करना बंद कर दीजिए। मीना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम्हें अभी इस घर की कीमत समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें इस घर की कीमत समझ में आ जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें बहुत अफसोस होगा। और वैसे भी तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं ये घर बनाकर ही रहूंगा। और फिर गुस्से में मीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोहन नहीं रुकता है, वो अपने केले के पेड़ के घर को बनाता ही रहता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, बारिश बहुत तेज होने लगती है, लेकिन फिर भी मोहन छाता लेकर अपने घर को बनाने की तैयारी करता है। और फिर एक दिन बारिश इतनी तेज होती है कि पूरे गांव में पानी भर जाता है, लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है। ये क्या, हमारे घर में तो पानी भर गया है, अगर बारिश नहीं रुकी तो ये पानी और भी ज्यादा भर जाएगा, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, इस बारिश से हम कैसे बचेंगे? मीना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने केले के पेड़ का घर क्यों बनाया है, इसी दिन के लिए तो बनाया है, अब तुम शर्म मत करो और मेरे साथ केले के पेड़ के घर में चलो, हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे, हमारे पास
दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बारिश से बचना है तो उस घर में ही रहना होगा। मीना और मेरी बेटी रानी, चलो हम तीनों उस घर में रहेंगे। और फिर मीना मोहन की बात मान लेती है और मोहन के साथ सारा सामान लेकर अपने नए घर यानी कि केले के पेड़ के घर में जाती है। मीना जब घर के अंदर जाती है तो वो घर को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि घर अंदर से बहुत ही सुंदर रहता है और घर के अंदर एक भी पानी नहीं आता है। मीना ये देखकर बहुत खुश होती है और मोहन से कहती है, सच में आपने जैसा कहा था आपने वैसा ही किया है। आपने इस केले के पेड़ से ना सिर्फ घर बनाया है बल्कि केले के पेड़ से आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है। इस घर की वजह से हम बारिश से बच पा रहे हैं। पानी का एक बूंद भी इस घर के अंदर नहीं आ रहा है। आपकी बुद्धि की वजह से हम इतने अच्छे घर में रह पा रहे हैं और बारिश से भी बच जा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी भी आपकी बुद्धि के बारे में नहीं सोचा और लोगों के बहकावे में आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। मीना, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता था कि उस समय तुम्हें इस केले के पेड़ के घर की कीमत समझ में नहीं आएगी। जब सही समय आएगा तभी तुम्हें इस घर की कीमत समझ में आएगी, और वो आज का दिन है जब तुम्हें सही मायने में इस घर की कीमत समझ में आ गई है। मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती कि मेरा परिवार एक सुरक्षित घर में है। मैं तो यही चाहता था और इसलिए इतनी मेहनत कर रहा था। हाँ बाबा, आपने बहुत ही सुंदर घर बनाया है, मुझे ये घर बहुत ही अच्छा लगा। और फिर इस तरह मोहन अपने परिवार के साथ केले के पेड़ के घर में खुशी खुशी रहता है। वहीं पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है, लेकिन केले का पेड़ का घर पानी में नहीं डूबता है और मोहन का परिवार सुरक्षित रहता है। वहीं केले का पेड़ बहते हुए रोहन के घर के पास पहुंच जाता है, जहां मोहन देखता है कि रोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने घर के छत में बैठा हुआ है पानी से बचने के लिए। तभी मोहन रोहन से कहता है, मेरे दोस्त रोहन, तुम अपने परिवार के साथ वहाँ क्या कर रहे हो? पानी कभी भी बढ़ सकता है, अपने परिवार के साथ मेरे घर में आ जाओ, यहाँ तुम सुरक्षित रहोगे। मोहन की बात सुनकर रोहन चौंक जाता है और रोहन की पत्नी रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए रोहन अपने परिवार के साथ मोहन के घर आ जाता है और मोहन से कहता है, मोहन मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। जब तुम ये घर बना रहे थे तो मैं तुम्हारा बहुत मजाक उड़ा रहा था। तब मुझे तुम्हारा घर एक बेकार घर लग रहा था, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज मुझे तुम्हारी घर की कीमत समझ में आ गई है। मोहन, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार के साथ जीवित हूँ, नहीं तो इस बाढ़ के पानी में डूबकर मर जाता। मेरे दोस्त रोहन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम सबको मेरे घर की कीमत समझ में आ जाएगी, और वो आज का दिन है। तुम सब अपने परिवार के साथ सुरक्षित हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर इस तरह मोहन और रोहन दोनों अपने परिवार के साथ केले के पेड़ के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।